दोस्तों कैसे हो आप साहब। तो मैं हूँ पाकिस्तान से मोहम्मद कुरबान। तो आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने जो नेदरलैंड के गेंदबाजों का हाल किया है, सच में ये देखकर मुझे अपनी टीम की याद आ गई। जिस तरह से इंडिया ने एशिया कप में हमें धोया और उसके बाद वर्ल्ड कप में इंडिया ने जिस तरह धोया, इसके बाद अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस तरह से हमारी पिटाई की, सच में जो हाल अब नेदरलैंड का हो रहा है, इससे भी बुरा हाल इस वर्ल्ड कप में हमारा हो रहा है। मुझे इस बात पर शर्म आ रही है कि हमारी टीम इस वर्ल्ड कप में कर क्या रही है। पहले तो ये हमारे मीडिया के लोग बड़ी बातें करते थे कि हमारे पास दुनिया का नंबर वन बॉलिंग अटैक है जो किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को तहस नहस कर देगा। हमारे पास शहनशाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है और शताब खान है। इसके अलावा दुनिया का नंबर वन ओडीआई बल्लेबाज भी हमारे पास है। तो आपको बताता चलूं कि बाबर आजम के पास रैंकिंग के अलावा कुछ नहीं है। बड़ी टीमों के सामने इसकी फटकर हाथ में आ जाती है। जब भी किसी बड़ी टीम से इसका मैच होता है, ये डर डर के खेलता है। ऐसे खेलता है जैसे गली के बच्चे खेल रहे हों। इस बाबर आजम को विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल से कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह से वो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम को लगातार मैचेस जितवा रहे हैं, ये होते हैं असली किंग, ना कि बाबर आजम जैसे जिसने ये रैंकिंग सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ रन बनाकर हासिल की है। और आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने नेदरलैंड का वही हाल किया है जिस तरह से इंडिया और अफगानिस्तान ने हमारा हाल किया था। बाबर आजम को ग्लेन मैक्सवेल से कुछ सीखना चाहिए कि बैटिंग कैसे करते हैं, टफ कंडीशन में कैसे खेला जाता है। तो भाई साहब, ग्लेन मैक्सवेल ने आज वर्ल्ड कप 2023 की 23वीं सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस बंदे ने 240 के स्ट्राइक रेट के साथ 44 गेंदों पर 106 स्कोर किए हैं, जिसमें इसने 8 छक्के और 9 चौके मारे हैं। सिर्फ यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 93 गेंदों पर 104 स्कोर मारे हैं। स्टीव स्मिथ ने 68 गेंदों पर 71 स्कोर मारे हैं। इसके बाद बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की, तो एडम जैपा ने नेदरलैंड के बल्लेबाजों का सत्यानाश कर दिया है। सिर्फ अकेले एडम जैपा ने ही 4 विकेटें चटकाई हैं। शताब खान जैसे घटिया बॉलर को एडम जैपा से कुछ सीखना चाहिए कि बॉलिंग कैसे करते हैं। बाकी मुझे तो उम्मीद नहीं कि हमारी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।